पीछे देख सकते हैं हमारा पूजा उजा सब हो चुका है, तो चलिए ऊपर चलते हैं और इनसे भी मिलाते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जनू हैप्पी रामनवमी, हैप्पी रामनवमी, हैप्पी रामनवमी। तो चलिए इन लोग का पढ़ाई हो रहा है, टेस्ट है, नीचे चलते हैं, हम अपना काम करते हैं। सोचे क्या रामनवमी है तो आप लोग से मिला दिया जाए, मेरा कम से कम सुबह का मॉर्निंग का हैप्पी रामनवमी तो बोल दे कम से कम। तो चलिए दिखाते हैं कुरियर क्या आया सुबह सुबह। एक ये आया है हमारा, ये ऑटोमेटिक हेयर कर्ल है और इसका प्राइस हमको पड़ा था 28 यूरो। इसको देखते हैं ओपन करके कैसा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो लाए थे ना खोले और वो खराब निकला था, तो इसको भी चेक करना होगा कि कैसा है। ये एक बना है मंगाए, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, ये देखिए सॉरी, ये बिफोर ऐसा है आफ्टर ऐसा है। ये है हमारा ऑटोमेटिक क्रिम्पिंग हेयर आयरन का मैनुअल और ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमारे पास कर्ल वाला है, कर्ल वाला हम खरीदे हुए हैं फ्लिप्स का। ये रोटेट हो गया, इसके अंदर ही दिखाते हैं, यूज करके देखेंगे कहीं ये भी ना हो कि खराब निकले। ये हमारा लॉक है, इसको लॉक को ओपन कर दिया जाए। ये रहा लॉक, ये टेम्परेचर है 230 और 180 पे आप सेट कर सकते हैं। इसको यूज करके देखते हैं कि कैसा होता है, होता भी है कि नहीं। इसके अंदर ही ये देखें, ये रोटेट होगा इसके अंदर ही। ये वाला हम फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हैं कि क्योंकि थोड़ा सा ना, मतलब ये डिफरेंट टाइप से कर्ल करता है ये। नेक्स्ट है ये हमारा आया है, ये एक ये मंगाया है, देख रहे हैं ये क्या है पता है, गैस है, गैस जिसपे हमारा चोखा रोटी बनता है। और इसका ना अमेजन से हमको इस बार इसलिए मंगाना पड़ा है, अगर सिंगल पीस का दाम पहले 295 हुआ करता था, अभी इसका प्राइस हो गया 495 अराउंड हो गया एक पीस का दाम। और ये हमें पड़ा है अमेजन में, इसका पड़ा है 26 यूरो पड़ा है। तो ये 26 यूरो पड़ा है, अराउंड 3 यूरो कुछ पड़ा है इसका एक का प्राइस, लेकिन ये ठीक है। ये हमने ये देखिए 8 का सेट मंगाया है, अब चलेगा आराम से क्योंकि रोटी इसी पे बनता है, हमारा चोखा इसी पे बनता है और ज्यादातर इसी पे हम बनाते हैं क्योंकि भाई इस पे रोटी खाना। ये कैंपिंग गैस है, इसको आप कहीं भी आप घूमने वूमने जाओ, गैस ले लो और गैस स्टोव ले लो और ये वाला ले लो, कहीं भी आप कुकिंग कर सकते हो। तो ये हमारा कैंपिंग के लिए, लेकिन हम इसको घर में यूज करते हैं। तो ये दोस्त सामान हमारा आया है सुबह सुबह घंटी बजा के उठाया है, तो चलिए इसको तो नीचे रखा जाए, इसको यूज करके देखते हैं कि यूज हो रहा है कि नहीं। तो देखिए रोटेट हो रहा है, अच्छा इसको क्लोज करते ही रोटेट करता है, ये देखिए ये मस्त है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ये देखें इसका टेम्परेचर 230 कर देते हैं। तो ये टेस्टिंग हो चुका है, ये रहा हमारा अभी जो कर्ल किए थे वो है और ये हमारा नॉर्मल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा
हाँ, तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा और थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन लगेगा। अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है, ये देख रहे हो, है डिफरेंट हो गया है दोनों हेयर में। और यहाँ पे चलिए बना रहे हैं रामनवमी के मौके पे खीर, चावल का खीर बहुत दिन के बाद बनने वाला है। और ये देख सकते हैं, ये हमारा चावल है, खीर वाला चावल, और ये घर से आया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा यम्मी खीर बनता है। इसका खुशबू वाह अलग है। ये खीर का ही चावल है जो स्पेशली हम घर से लेके आते हैं, और इस बार तो खैर कुरियर से आया है, नहीं तो हमेशा जब भी जाते हैं घर से ना तो इसको लेके आते हैं, और नहीं जाते हैं तब फिर यहाँ पे जो राइस मिलता है वो लाते हैं, लेकिन उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा इसका टेस्ट बनता है, टेस्टी खीर। तो चलिए दूध हमारा बॉईल हो रहा है, इसको तब तक पानी में डाल के थोड़ा सा फूलने डाल देते हैं। ये रहा हमारा, बस इतना का ही खीर बन जाएगा और ये अच्छा क्वांटिटी बन जाएगा। हमारा चावल खीर वाला, और ये ड्राई फ्रूट जाएगा, किशमिश अभी नहीं डालेंगे, इसको लास्ट में डालेंगे, क्योंकि ये वाला किशमिश डालने पे ना दूध हमारा फट जाता है, तो इसको नहीं डालेंगे। और इंडियन स्टोर से लाते वो नहीं फटता है, लेकिन यहाँ के शॉप से ना ये वाला थोड़ा सा खट्टा होता है तो इससे फट जाता है। तो ये नारियल गया, पिस्ता गया, और ये हमारा काजू गया। नारियल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो नारियल डालें और पिस्ता भी। ड्राई फ्रूट आपके ऊपर है कि अगर अच्छा लगता, जो ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। ये हमारा खीर बनके तैयार है, और ठंडा होता है तो इसमें चीनी मिलाना है और इलायची पाउडर डालना है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। वीडियो हमारा किसी भी रीजन पे अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल ना भूले, मिलेंगे आपसे नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सबको एक बार फिर से हैप्पी रामनवमी। हैप्पी रामनवमी।